आपका स्वागत है लविंग गार्डन पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में ही सीड्स कैसे उगा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये कुछ पाउच हैं, ये मैं दिखाती हूँ। ये अफ्रीकन मैरी गोल्ड है, ऑरेंज कलर का है, और ये पिटोनिया है, पिटोनिया एंड सी स्टार मिक्स, और ये लार्कस्पूर है, मिक्स कलर में है, इसमें काफ़ी कलर के फ्लावर आएंगे। और ये फ्लोक्स ब्यूटी मिक्स है, इसके भी कलर बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो आज हम इन्हीं को अपने घर में उगाएंगे सीड्स को। इसके लिए मैंने लिया है ये सोइल है, मिड नॉर्मल सोइल है, ये गार्डन सोइल, और ये इसमें गोबर की खाद है डीकम्पोज हुई, और ये थोड़ा सैंड में मिक्स करूँगी इसमें। अभी इसमें हम खाद वाद कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि तब इसमें फ्लावर टाइम होगा, सीड्स हमारे उग जाएंगे, तब हम इसमें कंपोस्ट डालेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से आज मैं आपको अपने घर में ही सीड्स उगाने बताऊँगी। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो गोबर की खाद होती है ये अच्छे से डीकम्पोज होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरी ये देख ही रहे हैं, बिल्कुल कैसी, बिल्कुल मिट्टी के जैसी हो रखी है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लिया है। और इसमें और सोइल डाल दें। मैंने इसके लिए ये पॉट लिए हैं। आपको पॉट लेते से ये ध्यान रखना है कि इनका ड्रेनेज जो होता है ये अच्छे से होना चाहिए। इसी तरीके से हम इनमें सभी में ये भर लेते हैं। देखिए मैंने ये मैरी गोल्ड है, मैंने इसे खोल लिया है, इसके बीज मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके सीड्स ये कुछ इस तरीके से होते हैं। हमें क्या करना है, देखिए इसमें इस तरीके से ऐसे लाइन बना लेंगे। और ऐसे डाल के हमें इन्हें ऊपर से ऐसे कवर कर देना है, हल्के हाथ से बिल्कुल। इसी तरीके से इधर एक बनाते हैं और इसे भी हम कवर कर देंगे। अब हम इस पे हल्का सा पानी डाल देंगे। हमें इसमें मॉइस्चर बना के रखना है, 2 से 4 दिन के अंदर थोड़ा हल्का पानी और ऐसे ही स्प्रे करके डालना है इसमें। और हमें ये बिल्कुल सेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर सुबह की मॉर्निंग सनलाइट आती हो। इसी तरीके से हम अपने बाकी के भी ये सब पिटोनिया,
हम इसी में इसका ये जो स्टिकर है लगा देंगे ताकि याद रहे कि ये कौन सा है। चलो कर लो। देखिए पिटोनिया के सीड्स कितने बारीक होते हैं, पिटोनिया के सीड्स तो हमें इसमें डाल देने हैं। और इसके ऊपर भी हम हल्की सी लेयर मिट्टी की बना देंगे। इस तरीके से कितने बारीक बीज है, बिल्कुल बारीक। तो खुश नहीं वेरी बढ़िया। इसी तरीके से हमने अपने ये लगा दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें इनमें मॉइस्चर बना के रखना है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी उस बर्तन से या किसी से पानी डालेंगे तो क्या होगा, हमारे बीज एक जगह से हिल भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इनमें स्प्रे करके पानी डालना है और हमें इन्हें बिल्कुल सेड़ी एरिए में रखना है। तब हमारे ये बीज थोड़े थोड़े निकल आएंगे सीड्स, तो हमें इन्हें सनलाइट में, हल्की सनलाइट में रख देना है। अब मैं इन्हें एक साइड में रख दूंगी ताकि, और ये जो आपके घर में ये बर्ड्स या ये होते हैं, इनसे हमें इन्हें बचा के रखना है ताकि कोई हमारे ये सीड्स ख़राब ना कर दे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।